हेलो एवरीवन, आप सोच रहे कि रात होते होते दिन कैसे हो गया। एक्चुअली मैं जब सिलीगुड़ी पहुंचा तब इतना मतलब बारिश आया, इतना जोर से बारिश आया, बस वहां पे तो ब्लॉक करना बंद हो गया। तो मैं घर में जैसे भी तैसे सिलीगुड़ी में घर में पहुंच गया। तो आज मैं जलपाईगुड़ी जा रहा हूँ। तो जलपाईगुड़ी जाते वक्त सोचा कि आप लोगों के साथ बातचीत थोड़ा हो जाए। 9, 9:30 बज गया था और उसके ऊपर से बारिश बंद नहीं हो रहा था, तो मैंने गोप्रे नहीं निकाला था, मेरा कैमरा जो है मैंने नहीं निकाला। तो मैंने फिर वहाँ से कैमरा पैक करके घर में आ गया था और सोचा कि ब्लॉग का एंड भी नहीं हो चुका था तो आज ही कर लेते हैं। तो आज मैं जलपाईगुड़ी जा रहा हूँ। एक्चुअली मेरा कल ही जलपाईगुड़ी जाने का प्लानिंग था मगर वो बारिश की वजह से नहीं गया, क्योंकि मेरे पास रेन गियर था मगर मैंने नहीं गया क्योंकि घर के नज़दीक में आके गीला होने का कोई फ़ायदा नहीं है। और मेरा घर से जो जहाँ पे मैं रुका था बारिश के लिए वो 4 से 4.5 किलोमीटर दूरी था। तो मैंने सोचा ठीक है, चलो आज सिलीगुड़ी में रुक जाते हैं, कल निकल जाएंगे सिलीगुड़ी से। तो आज तो बारिश नहीं है मगर वेदर क्लाउडी है, आप देख सकते हैं। तो ये मेरा लास्ट ब्लॉग है दीघा ट्रिप का, जो दीघा ट्रिप मैंने शुरू किया था उसका आज लास्ट ब्लॉग है। तो मैं आज ही ये ब्लॉग कंप्लीट, दीघा वाला ब्लॉग कंप्लीट कर रहा हूँ। तो ये दीघा वाला ब्लॉग में मैं आपको कुछ चीज़ बताना चाहता हूँ। मैंने जब पहला दिन से, मैं एक बार बात कर लेता हूँ, पहला दिन से मैं जब यहाँ से दोपहर को निकला था तो ठीक ठाक ही था सब कुछ, मगर गर्मी बहुत था उस टाइम में। गर्मी में उतना प्रॉब्लम तो नहीं हुआ क्योंकि बाइक चला रहे थे। और फिर रायगंज पहुंचने से पहले थोड़ा बहुत बारिश मिल गया था। और ये टोटो का बात क्या बोले, इलेक्ट्रिक रिक्शा का बात, ये लोग तो कुछ मानते ही नहीं ट्रैफिक। जो भी हो, तो मालदा में पहुंचा। मालदा में मेरा जो फ्रेंड था, जाने वाला था मेरे साथ दीघा, उसके साथ मैंने बातचीत किया। फिर उसके घर में डिनर के लिए बुलावा था तो उनके घर में मैंने डिनर कर लिया। नेक्स्ट डे हम लोग सुबह 6:30 निकला और मालदा से सीधा बहरमपुर तक हम लोग ने कॉन्स्टेंट चलाया। उसमें सिर्फ एक ब्रेक लिया था जो फ्यूल ब्रेक था हम लोगों का। उसके बाद सीधा जाके बहरमपुर में पहुंच के ब्रेकफास्ट किया। ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोग सीधा निकल गए कलकत्ता की ओर। तो एक बात बोलना चाहता हूँ कि कलकत्ता जाते वक्त आपको जो रास्ता है वो बहरमपुर तक आपको ठीक ठाक मिलेगा। रास्ता का कंडीशन ठीक ठाक है अभी तक, मगर मैं आज का डेट हो रहा है आपका 8 तारीख हो रहा है, सॉरी 9th हो रहा है, आज 9th अगस्त हो रहा है, 9th अगस्त 2021। तो आपको बहरमपुर तक रास्ता मिल ठीक ठाक मिल जाएगा, उसके बाद से रास्ता ख़राब है। ठीक है, जो मतलब रास्ता है उतना सही नहीं है वहाँ पे, क्योंकि और कृष्णनगर जैसे ही क्रॉस करते हैं, कृष्णनगर क्रॉस करने के बाद आपका जो रास्ता है वो रास्ता तो हरमौती बोली है। वहाँ से हम लोग ने ठीक ठाक रास्ता लेने के लिए हम लोग ने निकल गया रानाघाट की ओर। कृष्णनगर से एक शॉर्टकट रोड निकलता है जो लेफ्ट टर्न लेके आपको रानाघाट सीधा पहुंचाता है। तो उसमें आपका जो होता है उसमें आपका 23 किलोमीटर जैसा सेव हो जाएगा। उसमें तो वो रास्ता क्रॉस करने के बाद फिर हम लोग जो बारासात कृष्णनगर वाला हाईवे है वो रास्ता का कंडीशन अपने देख चुके हैं। तो हम लोगों को कलकत्ता पहुँचते पहुँचते बहुत लेट हो गया था। तब दीघा में नेक्स्ट डे जब उसी दिन हमने दीघा पहुँचा और दीघा पहुँचने के बाद हम लोग वहाँ पे रेस्ट लिए। तो रास्ते में आप देखे हैं कि मेरा जो फ्रेंड था उसका बाइक में थोड़ा प्रॉब्लम आ गया था, तो उसके लिए आधा घंटा 45 मिनट जैसा हम लोगों को वहाँ पर रुकना पड़ा। जो भी हो, हम लोगों को रेस्ट भी हो गया थोड़ा, तो उतना दिक्कत नहीं हुआ था उसमें। नेक्स्ट डे हमने दीघा एक्सप्लोर किया। दिन भर में दीघा हम लोगों ने एक्सप्लोर किया। दीघा का 2-3 बीच हमने विजिट किया। एक बात जो था कि कोविड के वजह से दीघा में उतना टूरिस्ट नहीं है, क्योंकि एक तो कोविड है, दूसरा है गवर्नमेंट का जो अभी न्यू प्रोटोकॉल है, तो उसके कारण से नहीं है दीघा में टूरिस्ट अभी उतना नहीं है। तो उसके कारण से रूम्स जो है वो बहुत सस्ते में मिल गया। वीकेंड होते हुए भी हम लोगों को रूम बहुत सस्ते में मिल गया,
क्योंकि वहाँ पे हम लोगों को मिला 3 जन का एक रूम और आपका एसी रूम था, वो 1000 रुपीज़ में मिल गया इंक्लूडिंग ऑल टैक्सेस में। तो आप सोच सकते हैं कि दीघा जैसा जगह है और इतना टूरिस्ट भरा रहता है तो उसी के कारण वहाँ पे सस्ता मिल जाता है, मिल गया इस सिचुएशन के कारण। अभी जो गवर्नमेंट का प्रोटोकॉल है उसके हिसाब से आपको डबल डोज वैक्सीन होना चाहिए, कोई भी वैक्सीन हो मगर डबल डोज होना चाहिए, और नहीं अगर नहीं होता है तो आपको आरटीपीसीआर टेस्ट जो रिपोर्ट है वो निगेटिव होना ज़रूरी है। अगर आप सोचते हैं कि दोनों में नहीं है, दोनों आपका नहीं कंप्लीट है, तो आपको वहाँ पे जाके रैपिड एंटीजन टेस्ट जो है वो करवाना पड़ेगा। तो वो गवर्नमेंट से एक होटल लिया हुआ है जहाँ पे इनिशिएटिव लेके वो लोग अपना टेस्ट कर रहे हैं, मगर वो टेस्ट करने में आपको कम से कम दीघा पहुँचने के बाद 2-3 घंटा टाइम लग जाएगा वहाँ पे, क्योंकि हम लोग ने तो एक्चुअली, मेरा जो एक फ्रेंड था जो मालदा से गया था उनके पास तो ऑलरेडी डबल डोज कम्प्लीट था, और जो कलकत्ता से मेरा दोस्त गया था उसका आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट था, मेरे पास भी आरटीपीसीआर का नेगेटिव रिपोर्ट था, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आया। तो उसमें अभी जो फूड है वो काफ़ी सस्ता भी है, दीघा में उतना नहीं है। फिश का, अगर आप फिश लवर है तो फिश का रेट दीघा में ठीक ठाक है, सस्ता ही पड़ जाता है, मगर हम लोग ने जब चूज़ किया था वो एक लो प्रेशर आया था बे ऑफ बंगाल में, तो गवर्नमेंट से नहीं जाने दिया समंदर में मछुआरे को, तो मतलब लास्ट 5-6 दिन से कोई मछुआरा समंदर में नहीं गया, तो उसके कारण से थोड़ा ऐसा हो गया कि आपका कोई फिश नहीं आ रहा था दीघा में, तो थोड़ा एक्सपेंसिव हो गया था। अरे इनको जाने देते हैं, ये लोग ना मतलब कंपटीशन में चलते हैं रास्ते में एकदम, देखिए 1 by 1 सबका बस पीछे के पीछे की तरफ है। जाने देते भाई, जा 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 आगे जा भाई। चलिए यहाँ से 4 लेन स्टार्ट हो जाता है तो तकलीफ नहीं होगा, मैं एक लेन मेंटेन करके चलता हूँ तो तकलीफ नहीं होगा, आपसे आराम से बातचीत कर सकते हैं। तो मैं जो बोल रहा था कि दीघा में मतलब आपको अच्छा खासा सस्ते में आपको मतलब दीघा टहल सकते हैं। उसके बाद हम लोग जब नेक्स्ट डे दीघा से निकला तो हम लोगों को मेन टारगेट था हमको दीघा से एक दिन में मालदा कंप्लीट करना था। अभी मालदा जब आ रहे थे तब हम लोग निकले, सुबह थोड़ा लेट से निकले क्योंकि नॉर्मली जो होता है फ्रेंड्स मिलके बैठ के बैठते हैं रात को, बातचीत कब सब हो लगा रहता है, तो उसमें सोने में बहुत मतलब नींद आने में बहुत लेट हो गया। तो नेक्स्ट डे हम लोग ऐसा किया कि नेक्स्ट डे हम लोग 9:40 या 9:50 को एग्जैक्ट हम लोग निकले थे दीघा से। फिर निकल में हम लोग रास्ते में कुछ जगह में ब्रेकफास्ट कर लिए, ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोग जब आए तो इतना भयंकर गर्मी था लिटरली हमको गोलाघाट पहुंचने से पहले हमको एक ब्रेक लेना पड़ा, जहाँ पे मैंने वहाँ पे कम से कम 1-2 घंटा रेस्ट किया, क्योंकि मुझे वो गर्मी में बाइक नहीं चलाया जा रहा था तो बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। उसके बाद कोलाघाट आए, कोलाघाट में एक अच्छा रेस्टोरेंट है, मैं भी आप लोग अगर नहीं गए तो मैं भी रिकमेंड करता हूँ वहाँ पे के शेरी पंजाब बोल के एक होटल है, तो उसका फूड क्वालिटी जो है बहुत बढ़िया है। तो वहाँ पे मैंने लिया एक एक रेड बुल लिया। फिर वहाँ से जब निकले हम लोग सीधा कलकत्ता आके रुके, क्योंकि मेरा जो फ्रेंड था कलकत्ता उनको बाय बाय करना था। फिर वहाँ से हमने निकल गए फिर दुर्गापुर होते हुए बर्धमान, दुर्गापुर के जो नेशनल दुर्गापुर एक्सप्रेस हाईवे है सॉरी वो रास्ते लेके हम लोग सीधा बर्धमान तक आए। फिर बर्धमान से हम लोग निकल गए मौलग्राम के तरफ। अभी ये बात ऐसा है, जो मतलब कलकत्ता से या मतलब उस साइड से जो ट्रैवल करना चाहता है नॉर्थ बंगाल के लिए, तो मैं उनको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, रास्ता भाई बहुत पैथेटिक है रास्ता, क्योंकि आप मतलब क्या बोले, आपको अगर बाइक या आपका गाड़ी का आपका प्यार है आपको, तो मैं कहता हूँ तो उस रास्ता से मत आइए, इससे कृष्णनगर वाला हाईवे जो है मच बेटर है। इतना खराब था, हम लोग ने बर्धमान क्रॉस किया कम तकरीबन 7 बजे और हमने पहुंचा मोरग्राम में रात को 11:30 बजे। मतलब इतना पैथेटिक रोड था, मैंने ब्लॉग भी नहीं कर पाया क्योंकि इतना धूल था और इतना ट्रक था, बड़ा बड़ा ट्रक था, तो
बहुत चलाना मुश्किल था। फिर आया हम लोग ने मालदा पहुंचते पहुंचते हम लोगों को रात को 1:30 बज गया था। तो आपने भी ब्लॉग देखा होगा, मगर वहाँ पे ऐसा हुआ कि लास्ट में मैंने ब्लॉग एंड नहीं कर पाया था क्योंकि मेरा गोप्रो का जो बैटरी था वो फुल ड्रेन हो चुका था। आफ्टरनून लंच करके निकलते हैं, तो हम तकरीबन 1:50 से 1:55 को निकले थे मालदा से। तो रोड कंडीशन ठीक ठाक था। मैंने बोतलबाड़ी का जो रास्ता है, जो बंगाल टू बंगाल रास्ता होता है, वो रास्ता हमने नहीं लिया क्योंकि वो रास्ते भी बहुत टूट चुका है और उसके ऊपर से मतलब वहाँ पे स्पीड मेंटेन नहीं हो पाता है क्योंकि वहाँ का जो लोकल पीपल है मतलब क्राउड होता है और शाम के टाइम था। मैंने सोचा कि लोकल मार्केट वगैरह बैठेगा तो यहाँ पे तो एकदम चला ही नहीं पाएंगे। तो हमने वहाँ से फिर दालखोला का जो मेन रोड था वहाँ से आया, मगर दालखोला मैंने वापस लिया। गाँव के अंदर से एक शॉर्टकट रास्ता मुझे पता था तो वो रास्ता से मैंने आ गया, क्योंकि उस रास्ते से आने से मुझे दालखोला का जो रेल गेट लेवल क्रॉसिंग का जो ट्रैफिक था वो मुझे नहीं मिला। तो ये ट्रिप मुझे टोटल मैंने कवर किया 1580 किलोमीटर मैंने कवर किया इसमें, और इसमें मेरा फ्यूल कॉस्ट जो है, फ्यूल कॉस्ट आया मुझे मेरा 4790 रुपये मेरा टोटल फ्यूल कॉस्ट आया, क्योंकि मेरा कुछ लोकल ट्रैवल भी था वहाँ पे, तो इसलिए वो सब जोड़ के मतलब जलपाईगुड़ी टू जलपाईगुड़ी आप ही तक के लिए 4700 जैसा कंप्लीट हो गया। अभी जलपाईगुड़ी एंड तक जाने से मुझे पता चल गया, मान लीजिए कि 30-35 किलोमीटर आप ऐड कर सकते हैं इसमें। ये था मेरा दीघा सफ़र। 5-7 दिन के बाद आज घर वापस आ रहा हूँ, तो घर में जाके थोड़ा रेस्ट लेंगे 1-2 दिन। तो ये ब्लॉग आने में आप लोगों को थोड़ा लेट हो जाएगा क्योंकि मैं पहुँच के फिर एडिट करने के बाद ही मैं पोस्ट कर पाऊँगा, क्योंकि मतलब 1-2 हफ्ता जैसा टाइम लग जाएगा। मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस था आप लोगों से शेयर किया, तो ये दीघा पार्ट के लिए, दीघा पार्ट मैं यहीं पे कंप्लीट करता हूँ। और तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट कोई अगर दूसरा ब्लॉग में मैं आपसे दोबारा मिलता हूँ, क्योंकि अभी बकेट लिस्ट में काफ़ी सारा जगह का प्लानिंग है जाने के लिए। तो जैसे ही मैं 1-2 दिन रेस्ट लेने के बाद मैं निकलता हूँ, तो डेफिनेटली आप लोगों से फिर दोबारा नया एक नई ब्लॉग नई दिन के साथ मैं मिलता हूँ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग सपोर्टिंग।